हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल आप सभी बच्चों का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ फ्लोट, स्पॉट काउंसलिंग और सीट कन्वर्जन की संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ जो वैकेंट सीट है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के बीच जुड़ा हूं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको स्पॉट काउंसलिंग, फ्लोट और सीट कन्वर्जन को लेकर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों, वैकेंट सीट को आप चेक कैसे करेंगे? तो आप जाएंगे IGKV के साइट पे। मैंने यहाँ पे साइट ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे जो वैकेंट सीट है, कितने सीट अवेलेबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पूरे वैकेंट सीट के लिस्ट देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट आप लोगों के सामने जल्द ही दिखेगा। देखिए, ये सीट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये PDF डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद में कॉलेज वाइज और आपको जो भी कैटेगरी के जितने भी सीट है वो यहाँ पे पूरे डिटेल देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ फ्रीडम फाइटर के एक सीट खाली है, और उसके बाद PH में 2 सीट खाली है। यहाँ पे देखेंगे SFS सेल्फ फाइनेंस सीट, 2 सीट खाली है। ये सीट आपको जनरल के लिए देखने को मिल रहे हैं। अगर OBC में मूव करेंगे तो OBC में सिर्फ जो है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस और PH के सीट खाली है। उसी प्रकार यहाँ पे SC के कोई भी सीट यहाँ पे आप देखेंगे तो खाली नहीं है। आगे बढ़ जाइए, ST के लिए देखेंगे तो ST में आपको यहाँ पे एक्स सर्विस का, फ्रीडम फाइटर का जो फाइनेंस सीट था वो नहीं है। PH का 1 सीट ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि फ्रीडम फाइटर के कितने सीट हैं, 2, एक्स सर्विस का 2, सेल्फ फाइनेंस के 4, PH के 3, टोटल 11 सीट रायपुर कॉलेज में खाली है। उसी प्रकार से पूरे कॉलेज के लिस्ट, आपको किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है यहाँ पे ग्रैंड टोटल पे आप देख सकते हो, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है ये चीजें आप देख सकते हो। इस प्रकार से ये वैकेंट सीट अपलोड कर, अब देखिए, अब बात आता है कि सीट कन्वर्जन क्या होता है। सीट कन्वर्जन का मतलब जो सीट यहाँ पे जैसे फ्रीडम फाइटर का है, सेल्फ फाइनेंस सीट है, वो काउंसलिंग में अगर फुलफिल नहीं हुए तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल सीट ओपन सीट में। उसके बाद होता है स्पॉट काउंसलिंग, जो गया जो पहले पहुंचा वो सीट को पाया। ये स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसेस है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, सीट कन्वर्जन का मतलब अभी जो वैकेंट सीट है उसको ओपन कर दिया जाएगा जनरल। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग का डेट आप नोटिफिकेशन पे देखे हुए हैं, स्पॉट काउंसलिंग में आप अवेलेबल होंगे, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपको सीट मिला है तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सीट कन्वर्जन का जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ। जो भी वैकेंट सीट थे उसको जनरल किया जाएगा, और इंस्टेंट काउंसलिंग जो होगा उसे स्पॉट काउंसलिंग कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सीट कन्वर्जन का मतलब क्लियर हो गया होगा। इन बच्चों, इस चीज को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे थे, और ये डिमांड था कि इसके लिए वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले एकमात्र संस्थान जो बच्चों के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, तो इस बार भी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे पहले ये वैकेंट सीट की जानकारी आपको दी गई। आप देख सकते हैं पूरे कॉलेज के लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके आपको बताए हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो। आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल देख सकते हैं, टोटल 346 सीट अभी क्या होंगे, वैकेंट सीट है, इसको जनरल कर दिया जाएगा। इसी बेस पर स्पॉट काउंसलिंग होगा। 25 तारीख तक वेट करेंगे। 25 तारीख को अगर फ्लोट के कुछ और ऑप्शन ओपन होने हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में फ्लोट का रिजल्ट कब आना है ये चीज नहीं लिखा हुआ है, तो 25 तारीख तक आपको वेट कर रहे हैं। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होगा, उस पे आपको सीट मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपको मन पसंद कॉलेज नहीं मिला है या अभी भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे लेटेस्ट जो बैच अवेलेबल जो स्टार्ट हो रहे हैं उसका डेट मैंने आपको 20 सितंबर बताया है। आपको एक अच्छे कॉलेज की तरफ बढ़ना है तो आप अभी भी हमसे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है, स्क्रीन पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं, आप उससे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, सीट कन्वर्जन के पूरे डिटेल्स जो मैंने आपको दी स्पष्ट होगी, आपने ध्यान से इन चीजों को समझा होगा। मैं
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। जल्द ही मैं ऐसी वीडियो के साथ और जुड़ूंगा आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।